रुक कर दें सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ कह रहे हैं गोरखपुर में। गुप्ता जी, नगर निगम के सभी पार्षदगण और नगर निगम को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान देने वाले हमारे सभी सफाई मित्र, स्वच्छता के कर्मीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान सम्मेलन के लिए नगर निगम गोरखपुर को और खासतौर पर महापौर और उनके साथ सभी पार्षदों को मैं, नगर निगम की पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला के भव्य मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहां संपन्न हुआ और इधर गोरखपुर नगर निगम की स्वच्छता की रैंकिंग में सुधार हुआ। इन सब की मैं आपको बधाई देता हूं। आज एक तरफ आपका अभिनंदन हो रहा है तो नगर निगम की रैंकिंग भी स्वच्छता की अच्छी हो रही है, तो महानगर वासियों को अच्छे स्वच्छ और सुंदर वातावरण में रहने का भी अवसर मिला है और विकास की 116 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी मिल रही है। वास्तव में जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए वह किन्हीं कारणों से उपेक्षित हो जाता था। कितना भी हम अच्छा कर ले, घर कितना भी अच्छा हो, अगर साफ सफाई ना हो, रंग रोगन ना हो, तो उस अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती। हम शहर को कितना भी सुंदर क्यों ना बना ले, अच्छी सड़कें दे दे, चौड़ी सड़कें दे दे, लेकिन अगर सफाई ना हो तो सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। इसलिए सारी सुंदरता की आत्मा किसी में निहित करती है तो इन स्वच्छता कर्मियों पे निहित करती है, इसलिए इनका सम्मान और इनकी सुरक्षा तो दोनों आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि इन्हें कई कवर सुरक्षा के प्रदान किए जा रहे हैं। किसी स्वच्छता कर्मी को अगर किसी दुर्घटना का दुर्भाग्य से शिकार होता है तो 2 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा बीमा की कवर से मिलेगा। मैं नगर निगम गोरखपुर से कहूंगा और प्रदेश भर में हम इस बात को सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि स्वच्छता कर्मी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी हर हाल में मिलनी चाहिए, जिससे वह अपने परिवार का लालन पालन समय पर और सम्मानजनक ढंग से कर सके। और साथ साथ हमारा प्रयास होना चाहिए उनके लिए आवासीय सुविधा भी हम दें। जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास मिलना चाहिए, कॉलोनी उनकी अच्छी बननी चाहिए, उनके लिए कुछ अन्य कार्य भी दिए जाने चाहिए। ये मशीन जितनी आ रही है इन मशीन में भी उनको पारंगत करना चाहिए और साथ साथ उनको स्वास्थ्य बीमा का कवर भी मिलना चाहिए, उन्हें राशन कार्ड की सुविधा भी मिलनी चाहिए, उज्ज्वला योजना के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए। हर प्रकार की सुविधा से उन्हें संपन्न करने की दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए और नगर निगम ने पहल की है। मैं विश्वास करता हूं कि ये अवश्य और भी अच्छा करेगा। हमने कमेटी गठित की है, बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट को हम लागू करके प्रदेश भर के सभी सफाई कर्मियों को अच्छा मानदेय उपलब्ध करवाने की दिशा में बहुत ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। ये सचमुच सबसे बड़ा हड़ताल है। मैंने जो पहले भी कहा, आप भी
मुझे बताइए, अभी ना कि रवि किशन की फिल्म कितने लोग देखे? फ्री में देखे हैं या पैसा लेके? फ्री में? अच्छा, नहीं नहीं चलिए, उनका रवि किशन की फिल्म देखे हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये अच्छा कपड़ा पहन करके एक्टिंग ना करे, फटा कपड़ा पहन करके अंडरवियर में एक्टिंग करने लग जाएगा लोग? अच्छा कपड़ा पहन करके करते हैं ना, तो इसलिए लोगों को हीरो लगता है, लगता है ना। और इसीलिए देखिए, वो अपने उद्बोधन से आपका मनोरंजन भी कर लेते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। देखो पिछले 6 महीने से गोरखपुर में लगातार जमे हुए, गांव गांव जा रहे हैं, वॉल राइटिंग भी कर रहे हैं, विकास की योजनाओं के लिए भी कार्य कर रहे हैं, विधायकों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और मनोरंजन भी कर लेते हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। मैंने उनको एक कहा फिल्मों में के लिए काम करना, विधायकों को बस फिल्मों में लेके जाऊंगा। लेकिन एक अच्छा प्रयास होगा, तो इसलिए शहर की शक्ल सूरत बदलने के लिए